माइक चेक 1 2 3 4 माइक चेक परिचय। ये 2014 की बात, पापा मम्मी का मेरे सर पे था हाथ, फिर हुए हालात खराब। 8 महीने 7 दिन पापा ने पकड़े रखे खाट, जो बनते थे खास उन्होंने छोड़ दिया साथ। पापा के हो रहे हालात खराब, उनका कराना था इलाज, दूसरा रास्ता नहीं इसलिए बेकी जमीनों कराने ले गए इलाज। अच्छा हॉस्पिटल, अच्छे डॉक्टर, उन्होंने बोला तुम्हारे आने वाले अच्छे हालात। पर पता नहीं उस शाम भगवान का क्या था प्लान, निकाल लिए पापा के दम में, खड़ा रह गया देखो आंखों को लेके नम। फिर मेरे बड़े भाई ने दी पापा को आग, उनकी बॉडी चल के बन गई थी राख, पर उस राख से जली मेरे सीने में छोटी सी चिंगारी। ये दुनिया वाले बोले ये क्या कर रहा है, काम जाकर पुलिस या फिर फौज की तैयारी। परिवार वाले बोले जा कर ले मनमानी, एक दिन कुछ करना है काम बंद करनी। इन दुनिया वालों की जुबान, हाँ मैं इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हूँ सीन का, मुझे इसमें कुछ करना है खास। हाँ इस इंडस्ट्री पे मुझे करना है राज, हाँ करना है राज, मुझे करना है राज। ये परिचय नहीं, ये मेरी बीती हुई कल की बात। माँ बाप की आग से मेरे सीने में जली है पॉप की आग। ये मेरा परिचय नहीं, ये मेरी बीती हुई बात, कुछ खोल नहीं मैंने कुछ रखी है राज। उनके बारे क्या बोलूं जिन्होंने बुरे वक्त में छोड़ दिया साथ, बस बोलना है उनके बारे तो यही बोलूंगा भगवान तू उनका भी रखना ख्याल। उन्हें भी कभी जिंदगी में ना देखने पड़े ऐसे हालात। ये मेरा परिचय नहीं, ये मेरा आज, कुछ बातें दी हैं खुल, कुछ रहने दी हैं राज, ने दी हैं राज। हिप हॉप कहानी सिंह ब्रह्मा विष्णु महेश, इस हिप हॉप इंडस्ट्री का एमी वे महादेव। हिप हॉप को इंडिया में हनी सिंह ने फैलाया, और हिप हॉप को इतना ऊपर हनी सिंह ही लेके आया। हिप हॉप को स्टार्ट करने हनी सिंह ही आया। एमी वे ने डीएचएच इंडस्ट्री को इंडिपेंडेंट बनाया, एमी वे ने सिखाया इंडिपेंडेंट गाने का तरीका, इंडिपेंडेंट बनके दिखाने का तरीका, इंडिपेंडेंट मचाने का तरीका, इंडिपेंडेंट सबसे भिड़ जाने का तरीका। अगर एमी वे ना होता तो डीएचएच इंडस्ट्री का सीन कुछ खतरनाक ना होता, खतरनाक। डीएचएच इंडस्ट्री का बनाओ मुझे किंग और पहनाओ ताज, इस इंडस्ट्री पे मुझे करना है राज। कुछ लोगों ने बोला तू सन की है साले, दिया उनकी बोली में मैंने उनको जवाब। मेरी मेरी कलम के वार जैसे तलवार के धार, अपना स्टेज नेम है मिस्टर सन की, मैंने देखो रख लिया जनाब। अब यही मेरी पहचान, यही मेरा परिचय और यही कुछ बात जो मैंने स्टार्टिंग में आपको अपना परिचय दिया, वो सिर्फ ये बताने के लिए था कि मुझे मोटिवेशन कहाँ से मिलता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई सॉन्ग।